रेसिपी तो वो होनी चाहिए कि देखते ही बनाने का मन कर जाए और बनाते बनाते खाने का मन कर जाए तो ऐसी ही रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ हेलो फ्रेंड्स रजनी चोपड़ा रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पनीर से बनने वाली स्नैक्स की रेसिपी क्योंकि पनीर से पकौड़े हमने कई बार बनाए हैं कई तरह के स्नैक्स बनाए हैं इस वाली जो ये रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसको एक बार जरूर ट्राई करें मैं मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को आप शैलो फ्राई करके बना सकते हैं फ्राई करके बना सकते हैं एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं बेक भी कर सकते हैं और सबसे खास बात आप इसको स्टोर करके एक महीने के लिए फ्रीजर में रख दीजिए तो भी ये रेसिपी खराब नहीं होगी तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम पनीर पनीर ये घर का है इसलिए पहले से ही क्रम्बल्ड है लेकिन अगर आप पनीर वैसे लेके आ रहे हैं तो पनीर को क्रम्बल कर दें और जो घर का पनीर होगा तो घर के पनीर में हल्का सा पानी जो रह जाता है पानी ना रहे और पूरी तरह से सूखा पनीर यूज़ करें इसके साथ ही मैंने ली हैं कुछ सब्जियां जिसमें दो गाजर एक शिमला मिर्च दो प्याज और कुछ कलियां लहसुन की ली हैं और इनको मैंने चॉपर में बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया है जो प्याज और शिमला मिर्च थे उसको मैंने चॉप करने के बाद एक बार निचोड़ कपड़े में डाल के निचोड़ लिया है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे और गाजर को मैंने बिना निचोड़े ही यूज़ किया है क्योंकि मैंने जो ये गाजर यूज़ की है ये ऑरेंज वाली गाजर है और इसके अंदर पानी बहुत कम होता है तो मैंने जो ये गाजर यूज़ की है ये वही वाली की है आप इसको ग्रेट ना करें इसको बिल्कुल चॉप बिल्कुल बारीक बारीक चॉप ही करें जैसे हम मंचूरियन के लिए सब्जियों को चॉप करते हैं ठीक वैसे ही हमने इनको चॉप करना है क्योंकि अगर हम ग्रेट करेंगे तो हमें इसमें बाइंडिंग के लिए जो डालना पड़ेगा वो ज़्यादा डालना पड़ेगा जिससे इसमें पनीर का टेस्ट पूरा नहीं आएगा और ये जो रेसिपी है जो ये कटलेट्स बनेंगे काफ़ी हेल्दी बनेंगे और टेस्टी बहुत बनेंगे यानी कि आपकी कभी भी क्रेविंग हो रही है ना कुछ चाइनीज़ तीखा सा चटपटा सा खाने का तब तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर नमक स्वादानुसार एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स का डाला है एक चम्मच ही बड़ा वाला भर के मैंने इसमें डाला है ऑर्गेनो का या मिक्स हर्ब्स का इसके साथ ही तीन से चार बड़े चम्मच मैंने इसमें डाले हैं शेजवान सॉस और शेजवान सॉस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ चाइनीज सॉस जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटा चम्मच लिया है मैंने चिली सॉस का जो ग्रीन चिली सॉस है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और तीखा कम पसंद करते हैं तो यहाँ पे शेजवान जो सॉस हमने डाली है उसको दो चम्मच ही डालें इसके साथ ही एक चम्मच मैंने इसमें डाला है सोया सॉस ये डार्क सोया सॉस थी और एक चम्मच मैं इसमें डालूँगी विनेगर का वाइट विनेगर डाला है और इन सबको आपस में मिक्स कर लेना है यहाँ पर हमने अभी तक इसके अंदर बाइंडिंग के लिए कुछ भी नहीं डाला पहले हम इन सभी को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जितने भी मसाले हैं और जो सॉसेस हैं उनका जो फ्लेवर है पूरी तरह से पनीर के साथ मिक्स हो जाए और पनीर इन सभी को एब्जॉर्ब कर ले अब इसमें बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर डालूंगी आधा छोटा कप जो मैंने यहाँ पर लिया है चावल का आटा अब चावल के आटे की जगह ज़ग, जगह पर अर रोट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन चावल का आटे डालने से ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं और हेल्दी भी काफ़ी हो जाते हैं तो इसलिए हमने इसको बाइंड देने के लिए चावल का आटा यूज़ किया है पहले आप थोड़ा सा चावल का आटा मिलाएं जब आपको लगे कि ये पूरा बंध रहा है और ये हमें जब हम इसको फ्राई करेंगे या फिर शैलो फ्राई करेंगे तो टूटेगा नहीं तो हम इसके अंदर जो हमने चावल आटा डाला है उतना ही डालेंगे अगर आपको जरूरत लगी तो थोड़ा सा इसमें आटा चावल का थोड़ा सा और मिक्स कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने आधा कप चावल का आटा यूज़ किया है और ये इसके लिए बहुत है इसके बाद हम इसके छोटे छोटे कटलेट्स तैयार कर लेंगे कटलेट कटलेट हम किसी भी शेप में तैयार करेंगे मैं यहाँ पर ट्राइंगल शेप में इनके कटलेट्स को तैयार कर रही हूँ इस तरह से मैंने ट्राइंगल शेप में इसके सारे नगेट्स तैयार कर लिए हैं सारे कटलेट्स बना लिए हैं और इसको बनाने के बाद अब ये अगर हमने शैलो फ्राई करना है तो हम सीधा इसको तवे पर घी लगाएंगे और इनको शैलो फ्राई कर लेंगे लेकिन अगर हमने इनको फ्राई करना है तो उससे पहले हमें इसे एक घंटे के लिए फ्रीजर में रखना पड़ेगा फ्रीजर में रखने के बाद जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे तो स्टोर करने के लिए हम इन सभी नगेट्स को निकालेंगे जिप लॉक में डालेंगे और हम इनको स्टोर कर देंगे लंबे समय तक 10-15 दिनों तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और जब आपका मन करे इसको फ्राई कर सकते हैं यहाँ पर मैंने शैलो फ्राई करने थे तो मैंने सीधे ही इनको ऐसे बनाए और तवे के ऊपर घी लगाया और घी लगाने के बाद मैंने इन नगेट्स को इन कटलेट्स को तवे पर रख दिया है और जो हम मैंने कुछ मैंने नगेट्स को ना फ्राई भी करना था तो उसके लिए मैंने क्या किया कि इनको कुछ नगेट्स को मैंने बनाने के बाद फ्रीज़र में रख दिया ताकि वो सेट हो जाए और साथ ही इसको फ्राई करने के लिए हमें एक स्लरी की भी जरूरत होगी जो हमने इनको शैलो फ्राई करना है तो शैलो फ्राई करते हुए हल्का हल्का घी साइड में लगाएंगे और इनको उलट पलट कर चारों तरफ से हम इनको क्रिस्पी कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने चावल का आटा डाला है चावल का आटा बहुत जल्दी कुक हो जाता है और जो बाकी ही वेजेज़ हैं जो पनीर है वो भी बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं तो इनको बनने में सिर्फ लगते हैं सात से आठ मिनट हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको क्रिस्पी करेंगे और जब ये फ्राई हो जाएंगे जब ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएंगे तो हम इनको सर्व करेंगे ग्रीन वाली मिंट्स सौस के साथ जो हम फ्राई करने वाले हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के और इसमें दो चम्मच ही मैंने मैदा मिक्स किया है दोनों को मिलाकर एक घोल तैयार किया है और जो नगेट्स को हमने फ्रीज़र में रखा था उनको इस लरी के अंदर डिप करेंगे और अब इस तरह से हम उनको बिल्कुल हाई हीट पर गर्म तेल में इनको फ्राई कर लेंगे दोनों में ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्राई करने के बाद भी इसमें तेल ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं होता और दोनों में ही इसका टेस्ट बहुत बड़ी ये ये तो ये बन गए हमारे एकदम से टेस्टी से से मजेदार चाइनीज़ पनीर नगेट, अब इनको सर्व करें मिंट सॉस के साथ या अपने पसंद की टोमेटो केचप के साथ कुछ हरी मिर्च को भी फ्राई करके इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं तो ये बन गए हमारे बहुत ही टेस्टी से मजेदार से शाम की चाय के लिए एक मजेदार सा स्नैक तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इन्हें लाइक जरूर करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यदि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना तो मिलते हैं इसी तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी मजेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय